अस्सलाम वालेकुम। यहाँ रख दो। काबिल बेटा चाय पियो ना। हम यहाँ चाय पीने नहीं, आपसे कुछ पूछने आए भाई साहब। रुमिसा की होने वाली सास के नाते मैं क्या उसका अच्छा बड़ा सोचने का हक नहीं रखती, बताइए मुझे। शगुफ्ता बहन, रूमी आप ही की बेटी है, आपको पूरा हक है। तो फिर मोहलत गुजर जाने के बावजूद वो लावारिस बच्ची अपने घर क्यों नहीं भेजी? ये सब क्या है मां, बोलो, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। बिजनेस में नफा नुकसान होना कोई इतनी अनोखी बात नहीं जो आप मुझसे इस तरह पूछ-गूछ कर रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे हाथों से दो कंपनीज चली गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और तुम कह रही हो मामूली सी बात है? मैंने तुम पर भरोसा किया था, समझा था कि तुम इस काबिल हो कि बिजनेस संभाल सकोगी, लेकिन रोहान के बाद तुमने बिजनेस का कुछ नहीं छोड़ा, एक के बाद एक गलती करती रही हो तुम। गलतियां इंसान से ही होती है ना माँ। मैं मान रही हूँ कि मुझसे करोड़ों का नुकसान हुआ, दो कंपनीज भी बंद हो गई, मगर इसमें ऐसी क्या क्या मत आ गई है? मैं सॉल्व कर रही हूँ ना इस मसले को, मैदान छोड़कर तो नहीं भाग रही ना मैं, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। लेकिन आपको थोड़ी इस बात का एहसास है, आपको तो घर बैठकर हम पर हुक्म चलाना है। कम ऑन माँ, इस बात को लेकर इतनी इमोशनल ना हो आप, और मेरा ख्याल है कि आपको आपके बेटे की तीमारदारी करनी चाहिए, बिजनेस मैं संभाल लूंगी। सुना तुमने, क्या बकवास कर रही है? आप लोग चुप क्यों हैं? बताते क्यों नहीं? बिला वजह उस लावारिस बच्ची को इस घर में पनाह क्यों दे रखी है? शगुफ्ता बहन, रूमी ने पूरी कोशिश कर डाली है कि बच्ची को। शगुफ्ता तुम इत्मीनान रखो ना, जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जी आंटी, आप एक और मौका। आप लोगों की बेइज्जती का तो मुझे नहीं पता, मगर हम लोग इज्जत और हसब नसब वाले लोग हैं। नायला, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि रुमिसा हर जगह हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरे। शगुफ्ता बहन, आपका गुस्सा बजा है, लेकिन रूमी का मकसद गलत नहीं है। उसने पूरी कोशिश की है कि बच्ची को उसकी खोई हुई फैमिली मिल जाए। अपने घर को आग लगाकर दूसरे का घर नहीं बचाया जाता भाई साहब। शगुफ्ता प्लीज गुस्सा थूक दो, जल्द या बदेर यह मसला हल हो जाएगा। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी बरसों पुरानी रिश्तेदारी में कोई बदमस्गी पैदा हो। रूमी भी शादी के लिए राजी है। कामिल बेटा, तुम क्या कहते हो? बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। काश मैं तुम्हें घर से और जायदाद से आग ना करती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। काश मैं माम की बातों में ना आती, उसने मुझे अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया और मेरी इतनी बड़ी गलती कर दी। काश मैं ये सब कुछ ना करती। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत, प्लीज चुप हो जाओ। अभी भी वक्त नहीं बेटा, तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल लो बेटा, वरना ये लड़की अपने इंतकाम में सब कुछ बर्बाद कर देगी।
नहीं माँ, मेरी जिंदगी का मकसद अब कुछ और, मुझे माफ कर। रही बात बिजनेस की तो वो माँ हम संभाल लेंगे। कामिल बेटा, शादी के लिए तो तुम भी राजी थे ना? मैं शादी का फैसला ये नहीं करेगा, मैं करूंगी। आप लोग हमें क्या बेवकूफ समझते? जब बच्ची का भांडा फूटते हुए देख रहे हैं तो अचानक शादी की जल्दी पड़ गई। वाह अम्मी, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? खुल के बात कीजिए ना। यही की हकीकत जानते हुए आप लोग रूमी के गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। दरअसल वो बच्ची लावारिस नहीं है, रूमी की अपनी औलाद है। खुदा के लिए शगुफ्ता चुप हो जाओ। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? मैं खुदा के लिए चुप, ये आपको कहा भी था ये बात नहीं करनी। अब मेरी जबान रुकने वाली नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर दिए इस लड़के के करतूत, अब नहीं। शगुफ्ता बहन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर घटिया इल्जाम लगाते हुए? आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जबान खींच लेता। तो खींच लीजिए ना अपनी लाडली की जबान। ना गुनाह छुपाने के लिए इसने कामिल के साथ शादी करने का प्रोग्राम बनाया, यही थी ना तुम्हारी प्लानिंग? अब चुप क्यों? मुंह में मूंग भर लिए क्या? बोलो, बस कर दो शगुफ्ता, खुदा के लिए बस कर दो। चुप में आ रहा है, बोले चली जा रही हो तुम? खुदा का खौफ तो करो, तुम तो खुद बेटियों वाली हो। हमारी बेटी पर इतना गलीज इल्जाम लगाते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म हया की बातें तुम लोग को जेब नहीं देती नायला, जो सब हकीकत जानने के बावजूद कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हो। अब बस बहुत हो गया, मैं अभी इसी वक्त मंगनी तोड़ने का ऐलान करती हूँ। चलो कामिल। ठहरिए, आपने इतना बड़ा इल्जाम मेरे किरदार और मेरी इज्जत पर लगा दिया, और मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि क्या सच और क्या झूठ, क्या गुनाह है? यही कि मैं एक लड़की होकर क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, और एक लवारिस बच्ची को कुंवारी होकर इस घर में पना दी मैंने। अगर आपकी नजर में ये गुनाह है तो हाँ, इकरार करती हूँ मैं कि मैं वाकई गुनहगार हूँ। बदचलन और बदकिरदार हरगिज नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तरबियत दी है कि अपने दामन को दागदार करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। और आप कह रही हैं कि मैं क्रिकेट के बहाने अपना गुनाह छुपाने गई थी। माँ की जगह समझती हूँ आपको, और आपने इतना शर्मनाक इल्जाम लगाया मुझ पे। मेरा खुदा गवाह है, 7 महीने 23 दिन मैंने इस्लामाबाद में क्रिकेट के अलावा कोई खेल नहीं खेला। और अगर आप चाहें तो तफ्तीश भी कर सकती हैं कि मैं वहां क्या कर रही थी। ट्रेनिंग कैंप का डेली रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस डेटा, ट्रायल रिकॉर्ड, तीनों टूर्नामेंट्स में मेरी परफॉर्मेंस, नेट प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस, ट्रायल मैचेस के रिकॉर्ड्स, अखबार में और मीडिया में छपी हुई एक एक खबर। आपको चीख चीख कर यही कहेगी कि मैं सच्ची हूं, और आपकी सोच कितनी घटिया। रूमी अपनी हद में रहो, तमीज नहीं है तुम्हें कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? जब सवाल औरत की इज्जत पर उठाया जाए तो जवाब में हद नहीं, बात का कद देखा जाए। सही आंटी, क्या अभी आपको मुझ पे यकीन नहीं है? अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप कामिल से पूछे। कामिल बताए ना, क्या मैं आपसे पल पल बात नहीं करती थी? माँ झूठी हूँ मैं, मुझ पे कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों ने बगैर सोचे समझे रिश्ते को तोड़ दिया। बताइए ना आंटी, क्या आप नहीं जानती कि मैं जब से उस बच्ची को इस घर में लेके आई हूँ, अम्मी अम्मी तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। यहाँ तक कि बाबा से भी लड़ चुकी, और बाबा का क्या कसूर है? कितना गंदा इल्जाम लगाया आप लोगों ने मेरे माँ बाप पे भी। यही गलती है ना बाबा की कि वो मेरा साथ देते हैं, खुद से ज्यादा मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता ऐसा मत करे कि ऐसा ना हो कि कल को कोई भी लड़की छोटी सी नेकी करने से पहले डर जाए और उसके माँ बाप का भरोसा खत्म हो जाए। प्लीज मेरे यकीन करें, ऐसा मत करें, इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें प्लीज।
रोए। चुप कर जा मेरी बेटी। बाबा मुझे माफ कर दे, मेरी एक छोटी सी नेकी की वजह से आप लोगों की इतनी रुसवाई हुई है। नहीं मेरी बेटी, हमें तो तुम पे फख्र है। अम्मी अम्मी प्लीज रुक के तो। आंटी कामिल रहमान, बाबा रहमान, बाबा भाई बाबा क्या हो गया? पापा क्या हो गया? पापा 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 नहीं लेकर आओ, चलो पानी लेकर आओ। अगर किसी को बुरा लगता है ना तो मेरी बला से, मगर मैं इस बच्ची वाले मामले पर कोई समझौता नहीं करने वाली। अम्मी आप ना किसी मामले का हल बगैर गुस्से और ताकत के निकाल ही नहीं सकते। क्या जरूरत थी इतना तमाशा खड़ा करने की? मैंने आपसे कहा था कि हम बैठ के तसल्ली से मसले का हल निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, आपने तो ना आओ देखा ना ताओ और झट से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। क्या अम्मी, अब भाई और भाभी की मंगनी तोड़ कर आ गई? क्या अम्मी आपने ये क्या कर दिया? हाँ तोड़ दिया रिश्ता, तो एक छोड़ 30 लड़कियां मिल जाएंगी जो रूमी की तरह जिद्दी घमंडी और बेहया नहीं होंगी। देखा नहीं कैसे छिपकली की तरह जबान निकाले बातें सुना रही थी, और तुम चोरू के गुलाम चुपचाप खड़े सुनते रहे। इतना भी ना हुआ कि उसे ऊंची आवाज पर बात करने पर डांट देते। वो बेकसूर है अम्मी, इस बात के तमाम सबूत मौजूद है कि वो बच्ची रूमी की नहीं है। अभी आपको बोला भी था कि आपकी सारी बातें बेबुनियाद है, आपने उसके बावजूद। हाँ तो गुस्से में कह दिया ना, मेरी जगह कोई भी होता ना तो यही बात करता। हम वहां सिर्फ ये बात मनवाने के लिए गए थे कि बच्ची को जल्द से जल्द घर भेजे और शादी तय करें, लेकिन नहीं, वहां सबके सामने हमारा तमाशा खड़ा कर दिया। हेलो संदेश बाजी, क्या अम्मी सुंदस बाजी की कॉल है, वो कह रही है कि रहमान अंकल को हार्ट अटैक आ गया। एक और नया था। ये क्यों रो रही है निधा बाजी, क्या इसको टॉय चाहिए? नहीं इडियट, ये तुम्हारी तरह टॉय के लिए नहीं रोती। तो फिर ये दादा भूख ले रो रही होगी, उनको हॉस्पिटल लेके गए ना? नहीं शायद इसे भूख लग रही है। चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, क्या हो गया? चुप हो जाओ, मैं अम्मी को बुलाता हूं। नहीं दफर रुक जाओ, अम्मी को पता चल गया तुम्हारी बहुत मार पिटेगी, हमें से खुद ही चुप कराना होगा। चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। आइडिया डॉक्टर साहब, आप मिसेस रहमान हैं? जी। घबराने की जरूरत नहीं है, माइनर सा हार्ट अटैक था, अब खतरे से बाहर इनकी हालत, होश आ जाएगा थोड़ी देर में इनको, लेकिन इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूं, ये आप फार्मेसी से मंगवा लें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आप लोग प्लीज बाहर जाएं। जी डॉक्टर। आई एम हियर। बाबा की तबीयत कैसी है अब? बाबा अब खतरे से बाहर है, सो रहे हैं। मैं जाके उन्हें देख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अंदर जाने की।
असल इसे कहो यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा अम्मी, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हैं? रोमी तुम जाओ, अभी देख रहे हो ना अम्मी को कितना गुस्सा आ रहा है, प्लीज अभी चले जाओ। तुम जाओ, मैं फोन पे तुम्हें बताता हूँ जैसे बाबा को होश आता है। मैम पानी तुम पी लो। मैम कुछ और चाहिए आपको? और कुछ चाहिए आपको मैम? नहीं मारिया जी, रूहान और माहम वापस आ गए? नहीं मैम, रूहान साहब तो अभी तक नहीं आए और माहम मैम अपने कमरे में हैं। ठीक है जाओ। ठीक है मैडम। आपको तो घर बैठकर हम पर हुकुम चलाना होता है। आपको आपके बेटे की तिमारदारी करनी चाहिए, बिजनेस मैं संभाल लूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद अब कुछ और, मुझे माफ कर। रही बात बिजनेस की तो वो मां संभाल लेगी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि माइनर हार्ट अटैक था, पर अब परेशानी की कोई बात नहीं है। रोमी कहाँ? वो बाबा रोमी शाम तक यहीं पे थी, अभी घर गई है। मैंने उसे फोन पे बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको अभी भी रोमी की फिक्र है? उसकी वजह से तो आपकी यह हालत हुई है। कहती थी मैं कि बेटी है, उसे बेटी रहने दे, मत इतना बढ़ावा दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। उसकी तरफदारी करते रहे और इसी तरफदारी ने आज आपको इस हाल में पहुंचा दिया। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी अम्मी प्लीज, मैं बता रही हूँ आपको रहमान, अगर आपको कुछ हो जाता ना, मैं रूमी को कभी माफ नहीं करती। ये कौन सा वक्त है इन सब बातों का? आप लैला तुम घर जाओ, कल से यहीं हो, वहां बच्चे अकेले हैं, जाओ घर जाओ। जोया जी भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम हर फैमिली इशू को फेसबुक पे क्यों डाल देती हो? हजार बार तुम्हें समझाया लेकिन तुम्हें कोई मेरी बात समझ ही नहीं आती। पहले घर में कम तमाशा हो रहा है जो तुम मेरे और रूमी के रिश्ते का तमाशा बना रही हो फेसबुक पे। अच्छा सॉरी, क्या हुआ, किसने तमाशा लगा दिया? पूछिए अपनी लाडली से, मेरे और रूमी का रिश्ता टूटने की खबर इसने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डाल दी है और पूरे खानदान में डिस्कस कर रही है। सॉरी भाई, मुझे क्या पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगी। जोया एक लगाऊंगी ना तो तुम्हारे 14 तपक रोशन हो जाएंगे, दफा हो जाओ यहां से। और तुम सुनो, सुंदस का फोन आया था, रहमान अब ठीक हो गए, उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। थैंक गॉड, अभी मेरा ख्याल है हमें उनकी आदत करने जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो ये समझें कि हमने मुड़ के देखा ही नहीं। पागल हो गए हो क्या? हमारे जाने पर वो फूल नहीं बरसाएंगे। और जहां तक जाने का ताल्लुक है, अब हम सुंदस के मैके की हैसियत से जाएंगे, अब उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी की गलत फहमियों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूमी पे लगे इल्जाम सिर्फ इल्जाम हैं।
और 100 बातों की एक बात, रूमी जैसी लड़की आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। लाओ इसे मुझे दो। अम्मी क्या कर रही हैं? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अम्मी हट जाओ। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी 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 खुदा के लिए दरवाजा खोले। अम्मी ये जुल्म मत कर। अम्मी अम्मी दरवाजा खोले। करें। अभी तो आंटी जो है ना वो मेन गेट तक पहुंच गई है। अम्मी इसमें इसका कोई कसूर नहीं, रुक जाए। अम्मी, अम्मी। क्या वाकई तुम अपनी आंखों से ये मंजर देख रही हो? यहाँ पर अंकल को हार्ट अटैक भी हुआ ही सिर्फ इस बच्ची की वजह से। तो पागल है ना, रूमी किसी की सुनती है से? बस लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है, खुद ही ठीक हो जाएगी अगले घर जाकर। दरवाजा खोलो। आंटी, मैं रूमी से मिलने आ रहा था और ये फुटपाथ पर पड़ी थी। ये फुटपाथ पर क्यों थी आंटी? अगर इसे कुछ हो जाता तो? पड़ा रहने देते इसे फुटपाथ पर। इस बच्ची का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये लावारिस है और इसकी जगह इस घर में नहीं, फुटपाथ पर है। आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई बात हुई है क्या? रूमी कहाँ है? रूमी की मंगनी टूट गई है। उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। रूमी है कि उसे इस बच्ची के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी अजाब में डाल रखी है इस लड़की ने। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ। रोहान, एक एहसान करोगे हमसे? खुदा के लिए इस बच्ची को ले जाओ और ले जाके दे दो किसी। हमारी जान छुड़ाओ इस लड़की से। आंटी, ये क्या एहसान करेगा? ये तो खुद रूमी के साथ मिला हुआ है। भाभी प्लीज। भाभी प्लीज, गुड़िया को बचा ले। थैंक यू बच्चों। अब चलो, अम्मी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। आप मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन अगर आज इस मासूम को कुछ हो जाता ना, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ ना करती। एक मिनट रूमी। रोहान, अगर तुम रूमी की मदद करना ही चाहते हो ना, तो ऐसा करो कि इस बच्ची को तुम अपने घर ले जाओ। कम से कम इससे रूमी की टेंशन तो दूर हो जाएगी, है ना आंटी? भाभी, मैं इसे जरूर घर ले जाता, लेकिन
मेरी अपनी दुनिया इतनी तारीक है, मैं इस बच्ची को क्या रोशनी दूँ। और रही बात रूमी की मदद करने की, तो वो सिर्फ इसलिए कि शायद ये सब कुछ करके मेरी अपनी जिंदगी का दुख कुछ कम हो जाए। और आप सब लोगों को तो रूमी पर फख्र होना चाहिए, सिर्फ इसकी ही हिम्मत है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद एक बेसहारा को सहारा देने के लिए लड़े चले जा रही। देखिए मैं जानता हूं कि ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त में आप लोग रूमी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोग इसका साथ नहीं देंगे तो ये अपने मकसद में कैसे कामयाब होगी भाभी? मेरी तो अपनी बेटी, अपनी बेटी इस दुनिया में आने से पहले चली गई, लेकिन आज अगर एक माँ अपनी बेटी से जुदा हो गई, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो? हेलो सुंदस, फोन क्यों काट दिया था? बोलो फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, अम्मी वो मनहूस घूम फिर कर फिर वापस आ गई है। है? तुम तो अभी कह रही थी कि नायला उसे सड़क पर छोड़ आई है। अरे अम्मी वो जो रूमी का दोस्त है ना रोहान, वो उस मनहूस मारी को उठाकर फिर घर के अंदर ले आया है और खूब हमदर्दी जता रहा है उससे। अम्मी अब आप खुद ही समझ जाइए कि सारे ताने बाने कहां जाकर मिल रहे हैं। अब आप जरा कामिल को फोन देना, इतना कुछ होने के बावजूद मैं जरा उसको भी तो बताऊं कि ये मोहतरमा यहाँ क्या गुल खिला रही है। कामिल तो कुछ देर हुई है बाहर निकला है। ठीक है अम्मी, रखती हूँ फोन। इस लड़के को भी ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, आखिर मैं ही तो घर की बड़ी हूँ, कुछ करती हूँ। तुमसे एक बात करनी थी। सुंदस बाजी सो रही? सो गई। कहिए अब क्या कहना बाकी रह गया। अंकल की हालत का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। मैं हॉस्पिटल गया था उनसे मिलने, लेकिन असन ने बताया कि उनकी हालत बेहतर है, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्ही ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब खत्म हो गया। मनाऊंगा, अंकल आंटी से माफी मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन रूमी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब भी तुमसे शादी करना चाहता। तब ये सब क्यों नहीं कहा जब मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लग रहे थे? मुझे बद चलन बद किरदार कहा जा रहा था, तब आप क्यों खामोश थे? मैं मजबूर था, मैं क्या करता। तुम जानती हो अम्मी का गुस्सा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बात उनके गुस्से की नहीं, आपके एतबार की। अगर शादी के बाद ये सब होता तब भी आप ऐसे खामोश रहते। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है, आपके रिश्ते को हर रिश्ते से ज्यादा अजीज रखा, खुद से ज्यादा आप पर एतबार किया, हर तरह का सुलूक सहा है मैंने, जो कहा वो बर्दाश्त किया है। लेकिन जब मुझे आपके एतबार की जरूरत पड़ी तो आप बिल्कुल खामोश थे। आपकी अम्मी के इल्जामात की वजह से आज मेरे बाबा की यह हालत हुई, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भुला कर एक बार फिर आप पे एतबार करूं। आपकी मोहब्बत है मेरे दिल में, लेकिन एतबार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। रूमी मैं मजबूर था, मैं क्या करूं? बात समझने की कोशिश करो प्लीज। उम्मीद होगी मेरी बात सुन ले।
एक सेकंड बाबा, एक सेकंड। बस ठीक है बेटा। अंकल अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेहतर हो बेटा। बेटा तुमने तफसील से डॉक्टर से पूछ लिया था ना, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं अम्मी, खतरे वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बस बाबा बहना मेडिसिन खाएं और परहेजी करें। अरे बहू, बच्चे कहाँ हैं? और रूमी वो भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बच्चे तो खेल रहे हैं बाहर। बाबा मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, जब तक आप आराम कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अल्लाह हाफिज। रोमी, बाबा बिल्कुल ठीक है, जाओ के पास। अम्मी, जोया जल्दी से नाश्ता लगा दो, देर हो रही है। ला रही हूँ, ला रही हूँ। ये लो, मैंने अंडा भी गरम डाल दिया इसमें। जोया साहिबा तो सर तकिए में भी सो रही है, रात रात भर जागती रहती है। सुबह को रात को कब वापस आए थे, कहाँ गए थे? कुछ नहीं, बस वो एक काम था। सुंदस का फोन आया था, रहमान अब घर वापस आ गए, तबीयत काफी बेहतर है। अम्मी जब आपको उन लोगों से ताल्लुक नहीं रखना तो उनके बारे में क्यों बता रही? अरे इतने कड़वे क्यों हो रहे हो, कहीं वो चुड़ैल तुम्हें मेरे खिलाफ तो नहीं भड़का रही? Oh my God, अम्मी, गॉड से कुछ और भी सोच लिया करें। पूछोगे नहीं कल रात उस लावारिस बच्ची का क्या हुआ? मुझे फोन पे सब बता दिया बच्ची ने। फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रोमी? अम्मी प्लीज, अब बस भी करें। रोती क्यों है बेटा, बस करो, कितना रोगी? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। I'm so sorry बाबा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी है, मुझे माफ कर दे। अरे बेटा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ना, मैं तुम्हारा साथ दे सका ना तुम्हारा रिश्ता बचा सका। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, मुझे तो बस अपनी किस्मत से शिकायत है, हर बार मुझे धोखा दे जाती है। किस्मत से ज्यादा मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। अरे मत रो बेटा, मत रो। सॉरी बाबा। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मीटिंग किस लिए कॉल की गई? यस, यू नो मॉम, हम सब हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर होल्डर्स होने के नाते बोर्ड मेंबरान के पास पूरा इख्तियार है के। I know. मैं सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ। वजह आप जानती हैं, हमारे बिजनेस ऑफ ग्रुप्स की दो मेजर कंपनीज का बंद होना और करोड़ों का नुकसान होना। और यही नहीं, आपकी गलत पॉलिसीज और फैसलों की वजह से कंपनी मुसलसल एक साल से नुकसान में जा रही है। I'm working on it. पिछले साल में कंपनी को जो भी नुकसान हुए हैं वो मेरा ख्याल है इस साल में प्रॉफिट में बदल जाएंगे। आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट हैव मच टाइम। नहीं, मीटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप मुझे मेल कर दीजिए। मैडम आप इस इशू को सीरियस नहीं ले रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? मेरा तो हर फैसला कंपनी का फैसला हम ले चुके हैं मैडम। तमाम शेयर होल्डर्स का मुत्तफिका फैसला है कि आपको एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से हटा दें विद इमीडिएट इफेक्ट। व्हाट? और नए नॉमिनेट होने वाले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है
रोहान सर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर शगुफ्ता बहन को इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी हमारी बच्ची के लिए। लोगों का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है, और ये अच्छा ही हुआ कि हमने बरवक्त उनके मिजाज को समझ लिया। अरे शादी सिर्फ लड़का और लड़की की नहीं होती, बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है, और जहां पर माफ कीजिएगा एक दूसरे की इज्जत का ख्याल ना किया जाए वहां रिश्ते नहीं करने चाहिए। भाई साहब आप रोमी की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो एक बहुत बाहिम्मत बच्ची है, इंशाल्लाह वो इस मुश्किल वक्त से निकल आएगी। जी बाबा, रोमी आपको देख देख के ही तो जीती है, आपसे ही तो उसकी हिम्मत है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। हमारी बच्ची एक गलती करके फंसी गई है, तो उसका ये मतलब लिया उन्होंने कि रूमी के किरदार पे उंगली उठाई। भाई मैं और नासिर तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन रूमी और कामिल की पसंद की वजह से खामोश हो गए। बस बाजी अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि एक मर्तबा रिश्तों में दरार आ जाए ना तो वो कभी खत्म नहीं होती। गज़ब खुदा का, उन्होंने ये भी ना सोचा कि उनकी बेटी इस घर की बहू है।